Hey guys, welcome back to our channel. और फाइनली आज हम करने वाले हैं नार्जो 10 ए ब्लू कलर फ़ोन का अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मैं स्पेसिफाई किया है सारी चीज़ें और जो कि मैं अंदर डिटेल में बताऊंगा। और इसकी प्राइस जो है वो मुझे फ्लिपकार्ट सेल से 8999 रुपीज़ में मिली है, जबकि इसमें लिखा है आप देख सकते हैं 9999। तो ये बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से अभी 500 रुपीज़ इसमें बढ़ गया है, पहले 8499 रुपये का ये मिल रहा था। आगे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी डाली हुई है, आप वो भी चेक कर लेना मेरी प्रोफाइल में जाके। और जैसा कि देख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जेन्युइन पीस है। तो चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। कहाँ से खोलूँ? ओके, ये नहीं निकलेगा, चाकू से ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, आजा। और ये अभी लग जाएगी, अभी बच गया। बहुत ध्यान से करना जब भी आप अनबॉक्सिंग वगैरह करते हो, तो बहुत ध्यान से करना, ताकि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता ना कि हाथ में चोट वगैरह लग सकते है। तो ये हमने अनबॉक्सिंग के लिए हमने बॉक्स को ओपन कर दिया है, सील पहले ही ब्रेक कर दी थी। और बॉक्स के ओपन करते ही वाह, ये येलो कलर का एक सेशन दिखता है जिसमें कुछ ज़रूरत सिम ट्रे इजेक्ट टूल है, आप देख सकते हैं। और अंदर देखते हैं कुछ ज्ञान की बातें जो कि रियलमी की तरफ से है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड। सो इसको हम साइड पर रखते हैं और अब हम फ़ोन को देखते हैं। फ़ोन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। चलिए अभी हम फ़ोन को साइड पर रखते हैं और बॉक्स के कंटेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर ओके, चार्जर जो कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, बेटर है क्वालिटी इसकी। जो बिल्ड क्वालिटी है आप देख सकते हैं, येलो कलर का अंदर शेड है, बहुत ही अच्छी है। और चार्जर को भी हम देख लेते हैं एक नज़र, फास्ट चार्जिंग है। देखिए आप देख सकते हैं आउटपुट इसका, थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ, बेटर दिखेगा ये देखिए। और लुक भी अच्छा है और ये काफ़ी हैवी नहीं है देखा जाए तो। चलिए तो अब हम इसको भी साइड पर रखते हैं और फ़ोन को जो है हम ओपन। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। ब्लू कलर, पहला मैंने जो अनबॉक्सिंग किया था वो वाइट कलर का था। इस बार लोगों की, आप लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं ब्लू कलर का परचेस करूं, तो मैंने सेल के लिए बहुत ही मेहनत से फ़ोन कुछ इस तरीके जो है इसका इंतज़ार किया और फाइनली ब्लू कलर आ गया हमारे पास। तो ये देखिए क्या क्या कूल दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं। और ये जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं पोको X2 में कर रहा हूँ। राइट साइड पे इसके आपको पावर अनलॉक बटन मिलता है, नीचे आपको स्पीकर गेल, माइक्रो USB और हमारा प्यारा सा हेडफोन जैक देख सकते हैं आप। और देखिए, और लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और हाइब्रिड सॉरी डेडिकेटेड सिम स्लॉट, यानी कि आप इसमें दो सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड एक साथ चला सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि 3GB 32GB किसी किसी को कम पड़ सकता है। तो आप देखिए, मैं इसको फोकस करके दिखा रहा हूँ, देखिए आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड एक साथ चला सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आप देखना चाहो अंदर, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें हम आपको बताएंगे। तो फर्स्टली हम अभी इस फ़ोन को बूट कर लेते हैं और फिर जानते हैं क्या है इस फ़ोन में खास, ठीक है। और ये हमने बूट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और जल्दी जल्दी मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके ये जो है जस्ट अ सेकंड बता रहा है। इसमें अभी ईमेल वगैरह नहीं डाला है क्योंकि हम जल्दी जल्दी आपको बताना चाहते हैं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और ये हमने इसका साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए आपको लिए वीडियो बनाया है, देखिए। तो गाइज़, यहाँ से आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि इसका साउंड जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, लाउड है और इजीली आप सुन सकते हो। अब बात करते हैं सेटिंग में, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही स्मूथ है, अच्छा है, नया फ़ोन है। तो लाइक मतलब इस प्राइस रेंज में कोई दूसरा फ़ोन तो खैर नहीं ही है। और चलिए हम आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी बहुत ही बेहतरीन है। और टच में जैसे ही बता रहा हूँ, जूम करके दिखाता हूँ,
इसकी स्पेसिफिकेशन जो है, डिवाइस नार्जो 10A है, बैटरी वर्जन ये है G70 का। इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, 3GB की रैम मिलती है, 16GB की स्टोरेज मिलती है। और बैक साइड में आपको, मैंने कैमरे के बारे में नहीं बताया था जी, तो यहाँ पे आपको 3 कैमरा मिलते हैं, बहुत ही बेहतरीन 3 कैमरे मिलते हैं। AI ट्रिपल कैमरा मिलता है विद ड्यूल LED फ्लैश के साथ, और पीछे ही आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट, और फिंगरप्रिंट भी बहुत ही फास्ट है, फेस लॉक भी बहुत ही फास्ट है। चलिए हम उसको भी आपको चेक करवा के दिखा देते हैं। तो ये देखिए, मैं फिंगरप्रिंट जैसे ही टच करूँगा ये तुरंत ही खुल जा रहा है, मतलब विद इन अ सेकेंड भी नहीं लग रहा है मतलब। और ये फेस लॉक आप देख सकते हैं, अब ये देखिए ये फेस लॉक है, मैं जैसे ही स्लाइड अप करूँगा लॉक खोल के तुरंत ही ये डिटेक्ट करके, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। चलिए तो कैमरा दिखा देता हूँ, थोड़ी कैमरे की क्वालिटी। ओके, तो देखिए अभी ना मेरा बहुत ही मतलब, मैं बिना खर्चा किए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए कि फिर मैं लाइक अपना अच्छे से व्लॉग वगैरह अपलोड कर सकूँ। तो अभी ये मैंने देखो फ़ोटो क्लिक की है, और जूम करके देखिए काफ़ी डिटेलिंग अच्छे से दिख रही है, ठीक है ना। तो इस प्राइस रेंज में कैमरा भी बेटर है, आपको प्रोसेसर भी अच्छा मिल जा रहा है। G70 का फ्रंट कैमरा देखिए, आप हंसने मत। पोको X2 में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैंने लकड़ी लगाई हुई है, उसमें रबर बैंड बांधा हुआ है, और उससे मैंने ये जो वीडियो लिया हुआ है आप देख सकते हैं। फोटो क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट है, मतलब बहुत अच्छी नहीं, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छी है ये वीडियो क्वालिटी, इसकी फोटोग्राफी क्वालिटी। और आप इसमें आपको तरह तरह के मोड मिल जाते हैं, जैसे मैं बैक कैमरा ऑन करके बता देता हूँ। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, और इसमें आपको दूसरे मोड मिल जाते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पास से दिखाता हूँ। टाइम लैप्स मिल जाता है, इसमें आपको अल्ट्रा मैक्रो मोड मिल जाता है, स्लो मोशन मिल जाता है, एक्सपर्ट प्रोमो मिल जाता है, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। वीडियो क्वालिटी में भी आपको 2x 4x तक जूम करके देख सकते हैं, और इसमें अलग अलग फ़िल्टर। तो आप बताइए इस फ़ोन के बारे में आपको कैसा लगा ये फ़ोन, आप अगर लेना चाहे तो ये डेफिनेटली मिल सकता है। और हमने अभी पार्टिसिपेंट रखा हुआ है कि ये फ़ोन मेरे तो यूज़ में नहीं है, क्योंकि मैं पोको X2 यूज़ कर रहा हूँ। तो आप में से ये किसी एक विनर को मिल सकता है डेफिनेटली, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो जल्दी से जल्दी आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और वो सब्सक्राइब बटन पर मतलब दबा दो उंगली, और स्टे ट्यून्ड।